वेलकम 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 माय डियर, एक बार फिर मैं पंकज शर्मा फिजिक्स प्लेनेट वाला आपके सामने आया हूं एक नई वीडियो लेके, जिसमें आज मैं आपको समझाने जा रहा हूं थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। इस एप्लीकेशन में हम पढ़ेंगे टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। अगर हमें कुछ क्वांटिटीज़ गिवन हो कि ये क्वांटिटी इन क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करती है, तो हम उनके बीच में रिलेशन कैसे ड्राइव करेंगे। क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, जस्ट अ बॉडी इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ। कोई बॉडी है जिसका मास है m और वो किसी सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव कर रही है, और ये आप आगे चल के पढ़ेंगे, व्हेन बॉडी मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ देन अलोंग द सेंटर अ फोर्स वर्क दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ये आप नया चैप्टर जब आएगा सर्कुलर मोशन तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो सेंट्रीपिटल, मैं दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, एक बॉडी है जिसका मास है m, वो सर्कुलर पाथ में घूम रही है जिसकी रेडियस है r, तो बॉडी पे क्या लग रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आपको जो क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन ये गिवन है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एंड रेडियस ऑफ पाथ। तो हमें ये बताना है डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से कि इन फोर्स इन सब के साथ किस फॉर्मूले से बिलोंग करती है, मींस फोर्स का इन सब के साथ क्या रिलेशन है। तो ये हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, अगर हमें गिवन है कि ये डिपेंड करती है, तो हम लिखेंगे कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, वेलोसिटी के एंड रेडियस के। ओके, आफ्टर देन हम सब जानते हैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के कॉन्स्टेंट हम लगाते हैं, तो मास, अब हमें ये नहीं पता कि फोर्स मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, थ्री पावर पे डिपेंड कर रहा है, टू पावर पे डिपेंड कर रहा है, या अंडर रूट पे डिपेंड करेगा। तो इनकी पावर्स हम अपनी तरफ से मान लेंगे, सपोज ए, वी की पावर बी और रेडियस की पावर सी। तो एक्चुअली हमारा टारगेट यही रहेगा कि हम ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करें। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा कि हम इन सब के डायमेंशन फॉर्मूले लिखें, फोर्स का एम एल टी माइनस टू के, ये डायमेंशन एनालिसिस की लिमिटेशन है कि हम के का डायमेंशन, के क्या है, के कांस्टेंट कितना होगा, ये हम डायमेंशन की हेल्प से नहीं बता सकते, तो के को हम यहाँ पे नेगलेक्ट कर देंगे। तो मास को आप लिखेंगे कि पावर ए, वेलोसिटी को आप लिखेंगे एल टी माइनस वन, पावर सेम रहेगी, रेडियस लेंथ है, तो ये हो जाएगा सी। अब जो लाइक टर्म्स हैं उनको सेपरेट कर लीजिए राइट हैंड साइड पे, जस्ट लाइक मास तो अकेला ही है, तो मास को एक तरफ रखिए, एल टू द पावर बी, एल की पावर सी, तो टोटल कितना हो जाएगा, एल टू द पावर ए बी प्लस सी, बी प्लस सी, फिर टी, टी की पावर कितना हो जाएगा, माइनस बी। ओके, अब हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग द पावर्स ऑफ m, l एंड t फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों तरफ से m, l, t की पावर आप इक्वेट कर लीजिए, जैसे कि इधर m की पावर 1 है, इधर a है, तो a इज इक्वल टू कितना होगा, 1, इधर l की पावर b प्लस सी है, इधर 1 है, तो हम लिखेंगे b प्लस सी इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमारा टारगेट है कि हम ए बी सी की वैल्यू निकालें और इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो हमारा रिलेशन आ जाएगा। अच्छा, ये कैसे कर रहे हैं हम, कुछ बच्चों को इसमें डाउट हो सकता है, तो जैसे कि बेटा आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं कि 5 to the power x इज इक्वल टू 5 की पावर 3, और क्योंकि बेस सेम है, बीच में इज इक्वल टू का साइन है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 3। तो इन द सेम मैनर बेस एम एल टी है, बीच में इज इक्वल टू का साइन है, तो इनकी पावर भी क्या होंगी, सेम। तो t की पावर इधर कितनी है, माइनस बी, इधर कितनी है, माइनस टू, तो माइनस बी इज इक्वल टू माइनस टू, या बी इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। बी की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रखूँगा तो 2 प्लस सी इज इक्वल टू 1, तो सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 1। तो ए की भी वैल्यू आ गई, बी की भी वैल्यू आ गई और सी की भी आ गई। अब इन सब की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे, तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन फर्स्ट, तो एफ इज इक्वल टू के, ओके, एम मास है की पावर कितनी है, ए, तो एम 1 ही है पावर, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है 1 पावर को, v, v की पावर कितनी है, b, b कितना है 2, तो v की पावर
टू हो जाएगा, आर की पावर कितनी है माइनस वन, तो एफ इजिकल टू, सारी पावर्स को जितने भी टर्म हैं उन सब की पावर को आप पॉजिटिव करके लिखेंगे तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा एम वी स्क्वायर बाय आर। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपका आ जाए उन सब में आपको इसी तरीके से रिलेशन ड्राइव करना है, ठीक है। अब एकदम से मैं आपको एक और क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, हाउ टू एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपका चैनल का नाम है फिजिक्स प्लैनेट और मैं पंकज शर्मा आपके साथ बना रहूंगा। एक और क्वेश्चन मैं आपको कराना चाहूंगा बच्चों, इसमें आप बिल्कुल, मुझे लग रहा है एक बार डाउट 100% क्लियर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन ये है कि वी आर हैविंग अ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम सबने सुना होगा, सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ हैवी पॉइंट मास विच इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट थ्रू एन इन इलास्टिक या इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, जो खींचने वाली रस्सी ना हो उससे लटका होता है, हैवी पॉइंट मास। तो इसको अगर मैं एक साइड में ले जाके इसको रिलीज कर दूं तो ये ऐसे जाएगा ड्यू टू इनर्शिया, वापस भी जाएगा, और बीच में अगर कोई फ्रिक्शन नहीं है तो उतनी ही एम्पलीट्यूड इधर भी जाएगा, और ये जैसे ही यहाँ तक आएगा तो इतना टाइम जब लगेगा, इतना पूरा करने में जो टाइम लगेगा दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो मान लिया पेंडुलम की लेंथ है एल और बॉब बोलते हैं इसको, बॉब का मास कितना है एम, और आपको ये क्वेश्चन गिवन है कि पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड कर रहा है मास ऑफ पेंडुलम बॉब, लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन तीन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। तो फिर वही प्रोसेस है कि टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप लिखेंगे एम एल जी। अब हमें ये नहीं पता कि ये कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है, तो कांस्टेंट एम टू द पावर ए, एल टू द पावर बी, जी की पावर सी। हमारा टारगेट यही है कि हम ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करें। तो के मैंने बताया था कि ये डायमेंशन की लिमिटेशन है, हम नहीं निकाल सकते कि के कौन है, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम इसको नेगलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम सबके डायमेंशन फॉर्मूले लिखेंगे। तो जो टी है इसको आप चाहें तो एम जीरो एल जीरो टी लिख सकते हैं, टी की पावर वन यहाँ पे लिखेंगे तो ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी काम चलेगा। एम एम तो एम ही है, की पावर ए, एल लेंथ की पावर बी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैं पहली वीडियो में आपको दे चुका हूँ, किसी ने अभी तक नहीं देखी है तो पहली वीडियो में डायमेंशन आप शुरू से देखिएगा। अब दोनों तरफ की पावर सेपरेट कर लीजिए, बैलेंस कर लीजिए। एक स्टेप और मैं लिख देता हूँ आपको और अच्छा समझ में आएगा, एम टू द पावर ए, एल की पावर बी प्लस सी हो जाएगा, बी ए है सी ए है, पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई में, एंड टी की पावर माइनस टू सी। अब आप इक्वेट कीजिए पावर्स को, ओके। तो एक इधर जीरो है, इधर भी ए है, तो ए इज इक्वल टू कितना हो गया जीरो। एल की पावर है बी प्लस सी, तो बी प्लस सी भी कितना है जीरो, बी प्लस सी जीरो है, इधर कितना है माइनस टू सी, इधर कितना है वन, तो माइनस टू सी इज इक्वल टू वन, तो सी इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू। सी की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो बी बराबर आ जाएगा वन बाई टू। और अब आप तीनों की वैल्यू उठा के, ए बी सी तीनों की वैल्यू उठा के फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा k m की पावर कितना है a, a किसके इक्वल है आप देख सकते हैं, a तो जीरो है, l की पावर हाफ हो जाएगा और g की पावर माइनस हाफ, और हाफ पावर का मतलब होता है अंडर रूट, और सारी पावर को आप क्या करेंगे पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा m की पावर जीरो है सॉरी, तो जीरो को हम नेगलेक्ट, l बाई जी। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आएगी और ये डायमेंशन की थर्ड एप्लीकेशन आप अच्छे से कर पाएंगे, और बने रहिए अगली वीडियो तक पंकज शर्मा के साथ ऑन फिजिक्स प्लैनेट।